अब एपी के कुछ रूल्स हैं जो कि एपी का नंबर फाइंड करने में बहुत ही हेल्प करते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स इट इज़ सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर आ एपी, क्लियर। तो हम लोग एपी के कुछ इम्पोर्टेंस रूल हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है, क्लियर है। यदि किसी भी एपी में नंबर फाइंड करना रहे और वो नंबर हिडन हो या अननोन हो तो हाउ टू फाइंड द नंबर, क्लियर है। दैट मीन्स सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एपी इट इज ऑलवेज कन्वेंटेंट टू मैक फॉलोइंग चॉइस, दैट मीन्स हम लोग को इसी नंबर का चूज करना, क्लियर है। दैट मीन्स यदि एपी में थ्री नंबर्स फाइंड करना रहे तो हम लोग लेट करेंगे ए माइनस डी ए कॉमा ए प्लस डी डी, क्लियर है। दैट मीन्स हम लोग को यदि एपी में थ्री नंबर्स फाइंड करना रहे, क्लियर है, तो हम लोग इस टाइप से फाइंड करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट हो जाएगा थ्री नंबर्स इन ए पी एज ए माइनस डी कॉमा ए ए प्लस डी, क्लियर है। ये तीन नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड नंबर है हम लोग फोर नंबर, यदि मेरे पास फोर नंबर फाइंड करना हो, यदि किसी भी ए पी का फोर नंबर फाइंड करना हो तो हाउ टू फाइंड, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि लेट रिक्वायर्ड नंबर ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, क्लियर है। नेक्स्ट है यदि फाइव नंबर फाइंड करना हो इन ए पी तो हाउ टू फाइंड, दैट मीन्स फाइव नंबर्स इन ए पी एज ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स नंबर के लिए, हम लोग यदि ए पी में सिक्स नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, क्लियर है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी कैन फाइंड ऑफ एनी सिक्स नंबर इन इजी वे, यदि इस नंबर को हम लोग लेट करते हैं तो ए पी में फाइव नंबर हो या फिर सिक्स नंबर हो या फिर फोर नंबर हो या फिर थ्री नंबर हो, वी कैन फाइंड अ नंबर इजी वे, क्लियर है, बाय द हेल्प ऑफ दिस। दैट मीन्स सिक्स नंबर्स इन ए पी एज ए माइनस फाइव डी, क्लियर, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी कॉमा ए प्लस फाइव डी, दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी कैन फाइंड अ एनी अननोन नंबर, क्लियर है। दैट मीन्स यदि ये प्रॉपर्टी मेरा रिमेंबर है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द एनी वैल्यू लाइक थ्री नंबर्स लाइक फोर नंबर्स लाइक फाइव नंबर्स लाइक सिक्स नंबर इन अ एपी, क्लियर है। तो आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। सबसे पहले करना क्या है, ये जो जितने पॉइंट है दैट मीन्स फोर पॉइंट है, फोर पॉइंट को आप लोग को रिमेंबर करना हो, क्लियर है। यदि आप रिमेंबर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आप लोग को इजी होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट इसी पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। दैट मीन से कोई एपी दिया रहे और उस एपी में थ्री नंबर फाइंड करना रहे तो हाउ टू फाइंड, क्लियर है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगेन, क्लियर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्लियर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, डिपेंड ऑन सम रूल्स, दैट मीन्स द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स। दैट मीन्स अब हम लोग को नंबर्स फाइंड करना है, क्लियर है। अभी जस्ट राइट करवाए, चार पॉइंट राइट करवाए जो कि उसी पर डिपेंडेड ये क्वेश्चन है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग सही से समझेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स कहता है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स, दैट मीन्स थ्री नंबर्स है जो कि सम है इन ए पी इज 21, दैट मीन्स थ्री ए पी का, थ्री सिक्वेंस ए पी का सम क्या है 21 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर। तो अब हम लोग को थ्री नंबर्स फाइंड करना है, तो थ्री नंबर्स फाइंड करने के लिए जस्ट अभी राइट करवाए सम पॉइंट्स, तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्लियर है। सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ए माइनस डी ए ए प्लस डी, क्लियर है, ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, क्लियर।
दैट मीन्स थ्री नंबर्स हम लोग क्या क्या राइट करेंगे, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार यदि हम लोग चलते हैं तो कहता है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज 21, दैट मीन्स 21 है सम है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चलते हैं तो इम्प्लाई दैट ए माइनस डी प्लस डी प्लस ए प्लस डी इजकल टू 21, क्लियर है। अब इसको यदि हम लोग फाइंड करते हैं दैट मीन्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, क्लियर। हेयर इट इज ए ये डी प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा इजकल टू 21, दैट मीन्स ए ए थ्री ए है तो थ्री ए इजकल टू 21 ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, दैट मीन्स ए इजकल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट करेंगे क्या कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, अब इसका प्रोडक्ट क्या है 231 है तो प्रोडक्ट करेंगे ये थ्री नंबर्स का, क्लियर है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, क्लियर है। अब इस नंबर का प्रोडक्ट करते हैं दैट मीन्स ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी, क्लियर है। अब इसको पुट कर देंगे कितना 231, क्लियर है। अब ये इंटू यदि करते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट लाइक उसी पर हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अब इंटू ए इजकल टू 231, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप अब करेंगे कि पुट कर देंगे ए का वैल्यू इस इक्वेशन में, क्लियर है। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग ए का वैल्यू फाइंड रखेंगे तो डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्लियर है। दैट मीन्स ए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इन टू ए, क्लियर है, इजकल टू 231 पुट करते हैं, दैट मीन्स ए दैट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर अब इन टू 7 इजकल टू 231, क्लियर है। कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, दैट मीन्स 49 इंटू 7, इस 7 को मल्टीप्लाई किए और फिर माइनस 7 डी का स्क्वायर इजकल टू 231, क्लियर है। दैट मीन्स यदि हम कैलकुलेट करते हैं ये 49 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं और उधर करते हैं, दैट मीन्स माइनस ये माइनस 7 डी का स्क्वायर इजकल टू 231 माइनस ये प्लस था तो मल्टीप्लाई होकर के माइनस जाएगा, दैट मीन्स ये 49 इंटू 7 इजकल टू मेरा हो जाएगा 343, क्लियर है। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, क्लियर है। दैट मीन्स डी का स्क्वायर इजकल टू ये दोनों यदि माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 एंड 1 एंड 1 112, अब ये माइनस था तो माइनस इधर कर देंगे, क्लियर है। माइनस 7 माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 7 वन जा 7 और 7 सिक्स जा 42, दैट मीन्स 16, क्लियर है। द डी का स्क्वायर इजकल टू 16, या यदि डी का वैल्यू फाइंड करना रहे तो डी का स्क्वायर दैट मीन्स ये स्क्वायर इजकल टू 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल, दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना हो गया ये 4 हो गया, क्लियर है। अब मेरे पास फाइंड हो गया ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, तो इस ए का वैल्यू और डी का वैल्यू यदि इस नंबर में यदि पुट करते हैं तो मेरा रिक्वायर्ड थर्ड नंबर फाइंड हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसलिए नाउ नंबर्स इज क्या है ए है, क्लियर है, ए
माइनस डी, क्लियर। तो ए माइनस डी, ए का वैल्यू कितना है, सेवन है, दैट मीन्स सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, नेक्स्ट हो जाएगा ए, दैट मीन्स सेवन हो जाएगा, क्लियर है। और नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू एलेवन, क्लियर है। हेंस रिक्वायर्ड नंबर नंबर्स इज 3, 7 और 11, दैट इज आंसर, क्लियर है। आई थिंक इस क्वेश्चन को समझ गया हूँ, क्लियर है। यदि थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को वंस अगेन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू फाइंड थर्ड नंबर, दैट मीन्स थ्री नंबर्स इन अ गिवन एपी, क्लियर है। हम लोग इस एपी में कैसे थर्ड नंबर, दैट मीन्स थ्री नंबर्स फाइंड किए, वन बाई वन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर है। देखिए द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, क्लियर है। तो फाइंड थ्री नंबर्स, दैट मीन्स दीज नंबर्स, दीज थ्री नंबर्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज, हम लोग लेट किए ए माइनस डी कॉमा ए ए प्लस डी, क्लियर है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे, दैट मीन्स ये कहता है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स जो है उसका सम क्या है, 21 है, दैट मीन्स 21 ऐड किए। अब ये दोनों को, तीनों को सम करते हैं, सम करने के बाद मेरा ए का वैल्यू फाइंड होता है। अब बाय द हेल्प ऑफ ये ए का वैल्यू हम लोग क्या किए, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चलते हैं तो देयर प्रोडक्ट इज 231, दैट मीन्स 231, क्लियर है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब ए का जो वैल्यू हुआ सेवन वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरा डी का वैल्यू फाइंड होता है, क्लियर है। दैट मीन्स यदि हम लोग ये कुछ सॉल्व करते हैं तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स डी का वैल्यू 4 आया। अब इस ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू जो 4 आया, इसमें हम लोग करें क्या, इस रिक्वायर्ड में जो नंबर था ए माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी, उसमें हम लोग ए और डी का वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद मेरे पास तीन नंबर आया, दैट मीन्स एक नंबर आया 3, 7 और 11, जो कि यही थ्री रिक्वायर्ड नंबर था जो एपी का थ्री नंबर था, क्लियर है। तो आई थिंक क्वेश्चन को समझ गया हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। जस्ट लाइक अभी जैसे बनाया, दैट मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बनाया जस्ट लाइक उसी टाइप से है। उसमें था थर्ड नंबर फाइंड करना था, दैट मीन्स थ्री नंबर फाइंड करना था, और इसमें कितना नंबर फाइंड करना है, फोर नंबर्स फाइंड करना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट, क्लियर है। दैट मीन्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्लियर। दैट मीन्स लेट लेट रिक्वायर्ड नंबर, क्लियर है, क्या नंबर्स रिक्वायर्ड करेंगे, नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज ए माइनस थ्री डी, क्लियर, कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी एंड ए माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी, क्लियर। इसलिए क्या करेंगे, सम, दैट मीन्स ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, क्लियर, इज इक्वल टू कितना, 20। ये इंप्लाई दैट ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, क्लियर, इज इक्वल टू 20। ये माइनस जहाँ जहाँ माइनस है उसको सबसे पहले हम लोग कैंसिल करें, क्लियर है। माइनस डी है, माइनस प्लस डी है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और ये माइनस थ्री डी है, ये प्लस थ्री डी है, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ए ए ए ए, दैट मीन्स 4a मेरे पास बचेगा, 4a इज इक्वल टू 20,
ए और ए कैंसिल होगा फाइव टाइम, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू फाइव। क्लियर है, ए का वैल्यू हम लोग के पास फाइव आ गया। अब इसी ए के सहारे हम लोग डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, दैट मीन्स इसी नंबर्स का, इसी फोर नंबर्स का स्क्वायर का हम लोग सम इज इक्वल टू 120 लाते हैं। क्लियर है, दैट मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है, क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, दैट मीन्स इसी नंबर का स्क्वायर का सम 120 है, दैट मीन्स ए माइनस 3d का स्क्वायर ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू 120। क्लियर है, वन बाय वन इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है, दैट मीन्स ए का स्क्वायर, इसका यदि स्क्वायर करते हैं ना तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग यदि तोड़ते हैं तो ए का स्क्वायर, दैट मीन्स ए का स्क्वायर और फिर माइनस 6ad और प्लस 9d का स्क्वायर प्लस, अब इसको तोड़ते हैं। क्लियर है, दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको यदि तोड़ते हैं तो ये देखिए, ये हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक और फिर ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस डी, दैट मीन्स ए का स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस अब ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, दैट मीन्स ए का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा 6ad और प्लस 9d का स्क्वायर इक्वल टू 120। क्लियर, अब वन बाय वन हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं। दैट मीन्स हेयर माइनस 6ad एंड हेयर प्लस 6ad ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, केयरफुली हम लोग देखेंगे। क्लियर, दैट मीन्स ये अब माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल। क्लियर, नेक्स्ट मेरे पास क्या रिमाइंडर है, ये है 9d स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर 9d स्क्वायर। क्लियर है, दैट मीन्स एक ए स्क्वायर, दो तीन और चार ए स्क्वायर, दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और 9d स्क्वायर 18d स्क्वायर और प्लस 1d स्क्वायर, दैट मीन्स 19d स्क्वायर और 1d स्क्वायर, दैट मीन्स 20d स्क्वायर, दैट मीन्स 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। क्लियर, अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकलेगा, दैट मीन्स यदि हम कॉमन निकालते हैं 4 को तो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इजकल टू 120। क्लियर है, ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स ये 30 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट इसी जगह पर हम लोग करते हैं, दैट मीन्स इंप्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इजकल टू 30। अब क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू है ना 5 इसमें पुट कर दें। क्लियर है, नाउ इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं। क्लियर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग ए का वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स इंप्लाई दैट 5 का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर इजकल टू 30। दैट मीन्स 5 जा 25 प्लस 5d का स्क्वायर इजकल टू 30। क्लियर है, दैट मीन्स ये प्लस है माइनस जाएगा तो ये 5d का स्क्वायर इजकल टू 30 माइनस 25 इम्प्लाई दैट डी का स्क्वायर इजकल टू 5 बाई 5, ये कैंसिल 1, दैट मीन्स डी
इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्लियर है। अब d का वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस वन आ गया और a का वैल्यू आ गया, दैट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ a एंड बाय द हेल्प ऑफ d वी कैन फाइंड ऑफ फोर नंबर्स ऑफ ap, क्लियर है। अब इस ap में हम लोग फाइंड करेंगे फोर नंबर्स। अब क्या करेंगे, a और d का वैल्यू पुट कर देंगे इस फोर नंबर में, इसलिए मेरा फोर नंबर क्या है, मेरा फोर नंबर है a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड लास्ट a प्लस थ्री डी, इसलिए a माइनस थ्री डी इजकल टू a, हम लोग प्लस यहां पर पॉजिटिव राइट करेंगे, दैट मीन्स वन राइट करेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स a, a का वैल्यू मेरे पास क्या है, फाइव है, फाइव माइनस थ्री इंटू वन इजकल टू टू, क्लियर। एंड a प्लस a माइनस डी, दैट मीन्स a का वैल्यू फाइव माइनस वन इजकल टू फोर हो जाएगा, एंड a प्लस थ्री डी इजकल टू फाइव प्लस थ्री इंटू वन इजकल टू एट, क्लियर। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर्स इज कितना है, टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा एट, और अदरवाइज जस्ट इसका अपोजिट भी राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स एट सिक्स फोर एंड टू। सो दिस इज आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। वन टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लियर। देखिए दिया हुआ है फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। पहले पहले पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझते हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक सबसे पहले हम लोग समझते हैं, क्लियर है। सबसे पहले है कि लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एपी विच इज फोर नंबर्स, दैट मीन्स फोर नंबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। देन ए माइनस थ्री डी प्लस, अब इसका सम कितना है, 20 है, दैट मीन्स इस नंबर का सम 20 है, दैट मीन्स a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इजकल टू 20। अब इसको यदि हम लोग ये कुछ सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास a का जो वैल्यू है 5 आया। नेक्स्ट का है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार यदि हम चलते हैं तो कहता है क्या है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 120, दैट मीन्स अब इसी फोर नंबर को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे, दैट मीन्स a माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a माइनस a प्लस थ्री डी का स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, दैट मीन्स ये इसका क्या किए, स्क्वायर सम किए, स्क्वायर सम ये फोर नंबर्स का 120 है। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली यदि हम लोग सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया, 4a स्क्वायर प्लस 20 डी स्क्वायर, चूँकि ये जितने भी पार्टिकुलर थे ना सब का स्क्वायर, दैट मीन्स हॉल स्क्वायर पर तोड़ दिए, क्लियर है। दैट मीन्स यदि माइनस था तो माइनस पर तोड़ दिए, प्लस था तो प्लस पर तोड़ दिए। तोड़ने के बाद मेरे पास 4a स्क्वायर प्लस 20 डी स्क्वायर इजकल टू 120, 4 कॉमन लिए तो a स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर, दैट मीन्स ये इजकल टू 30 आया, a स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इजकल टू 30, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्लियर है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, फर्स्ट लेट किए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इजकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, अब ये का जो वैल्यू था ना इस इक्वेशन में फाइंड राइट अति पुट किए, पुट करने के बाद मेरा डी का वैल्यू समथिंग आया, दैट मीन्स प्लस माइनस वन आया। अब ये और डी का वैल्यू हम लोग क्या किए, पुट कर दिए इस फोर नंबर में, दैट मीन्स मेरा फोर नंबर जो भी था a माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, उसी में हम लोग a और d का वैल्यू यदि वन बाई वन करके पुट करते हैं तो a माइनस थ्री डी इजकल टू फाइव माइनस थ्री इंटू वन इजकल टू टू, एंड a माइनस डी इजकल टू फाइव माइनस वन इजकल टू फोर, ए प्लस डी इजकल टू फाइव प्लस वन इजकल टू सिक्स, ए प्लस थ्री डी इजकल टू फाइव
प्लस 3 × 1 इजकल टू 8, दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इजकल टू 2, 4, 6, 8। और यदि इसको थोड़ा सा अपोजिट राइट करते हैं, दैट मीन्स इधर से राइट करते हैं एट लास्ट नंबर से, तो 8, 6, 4 और 2, जो कि मेरा फाइंड हुआ 4 नंबर्स इन एपी। क्लियर है? एपी का ये 4 नंबर फाइंड हुआ, ये हेयर इट इज। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को समझ गया हूँ। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही, जितना भी सारे पॉइंट पढ़ा है एपी का, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन हम लोग का बेसिक था। अब नेक्स्ट हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स नेक्स्ट डे से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। क्लियर है? बुक से क्वेश्चन उठाएंगे और वन बाय वन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन ईजी वे से, और चाहेंगे कि सारे का सारा क्वेश्चन आप लोग उस क्वेश्चन को समझ पाए। क्लियर है? तो ये मेरा बेसिक था एपी का, दैट मीन्स सिक्वेंस एंड सीरीज का। हम चाहेंगे कि इस जितने भी सारे पॉइंट्स राइट करवाए, सारे का सारे पॉइंट आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें, और देखने के बाद वन बाय वन करके जितने भी पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स पर डिपेंडेड हम लोग एग्जाम्पल कुछ ना कुछ सॉल्व किए, उस एग्जाम्पल को भी देखते जाइए। और यदि एग्जाम्पल यदि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझाए, तो सारे एग्जाम्पल हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, जो कि डिपेंड था पॉइंट पर। क्लियर है? तो आई होप सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे, और जितने भी एग्जाम्पल थे उस सारे एग्जाम्पल को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे से हम लोग जितने भी बुक्स का है क्वेश्चन है सारा के सारे सॉल्व करें। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।